दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल हेल्थ एंड वेल्थ पे। तो आज हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क्षेत्र में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का बीते कुछ सालों में। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स देख लीजिए भाई। सेल्स जो था मार्च 11 में 13.5 करोड़ था, फिर मार्च 12 में 19.70 करोड़ हो गया, मार्च 13 में 28.85 करोड़ हो गया, मार्च 14 में 31.91 करोड़ हो गया, मार्च 15 में 36.30 करोड़ हो गया, मार्च 16 में 42.57 करोड़ हो गया, मार्च 17 में 54.83 करोड़ हो गया और मार्च 18 में 70 करोड़ हो गया, मार्च 19 में 82 करोड़ हो गया और मार्च 20 में 96 करोड़ हो गया। यानी सेल्स ईयर टू ईयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मार्च 11 से लेकर 20 मार्च 20 तक में सेल्स लगभग 7 गुना बढ़ गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एम्प्लाई कॉस्ट देख लीजिए, मार्च में जो कि था 3 करोड़ वो आपका हो गया है 21 करोड़, तो ये भी 7 गुना बढ़ा है एम्प्लाई कॉस्ट भी। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, मार्च 11 में था -4.52%, मार्च 12 में हो गया 80 लाख, मार्च 13 में हो गया 94 लाख, मार्च 14 में फिर से -30 लाख, मार्च 15 में 12 लाख, मार्च 16 में 3 करोड़ 21 लाख, मार्च 17 में 5 करोड़ 35 लाख और मार्च 18 में 6 करोड़ 65 लाख और मार्च 19 में 8 करोड़ 61 लाख और मार्च 20 में 11.74 लाख। तो नेट प्रॉफिट इसका बहुत ही बढ़िया हुआ है, माइनस से अभी कंपनी प्लस में है, 12 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है लगभग में। अब इसका हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट देखिए, सितंबर 18 से लेकर के दिसंबर 20 तक हमारे पास अवेलेबल है। सेल्स जो है सितंबर 18 में था 18.16 करोड़, जो कि सितंबर 19 में हो गया 23.85 करोड़ और जो कि सितंबर 20 में हो गया 28.98 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, सितंबर 18 में था 97 लाख, जो कि आपका सितंबर 19 में हो गया 3 करोड़ 31 लाख, जो कि आपका दिसंबर 20 में हो गया है 1 करोड़ 84 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बहुत बढ़िया रहा है भाई। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखिए, इसके पास रिजर्व जो -4.66 करोड़ का था मार्च 11 में, वो अभी मार्च 20 में 34.35 करोड़ का रिजर्व भी है। इसके अलावा आप इसका इन्वेंट्री देख लीजिए भाई, इन्वेंट्री जो मार्च 11 में 54 लाख का था वो अभी 2 करोड़ 22 लाख का हो गया है। कैश फ्लो देख लेते हैं भाई। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मार्च 11 में 1.77 करोड़ था, मार्च 15 में 5 करोड़ 43 लाख था और मार्च 20 में भी 10 करोड़ 70 लाख हो गया है, यानी 10 गुना से बड़ा है। प्राइस देख लीजिए भाई, प्राइस जो इसका मार्च 11 में 1.47 रुपया हुआ करता था, मार्च 15 में 2.85 रुपया हुआ करता था, वो भी मार्च 20 में 12.52 रुपया दिख रहा है और अभी फ़िलहाल में इसका प्राइस 22-23 रुपया के आसपास में चल रहा है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं टिकट टेप पे, और टिकट टेप पे आप इस कंपनी का नाम देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से है, स्मॉल कैप है और रिस्क इसमें मॉडरेट है। अभी करंट प्राइस जो है 22.85 रुपया चल रहा है। तो अब हम इसका रिटर्न देख लेते भाई। वन वीक का जो रिटर्न है वो 2.46% है। वन मंथ का रिटर्न देख लेते हैं, वन मंथ का रिटर्न जो है -0.43% है। एक साल का रिटर्न देख लेते हैं, एक साल में 53.66% का रिटर्न है। पाँच साल का रिटर्न देख लेते हैं, पाँच साल में 185% रिटर्न है और मैक्सिमम देख लेते हैं तो मैक्सिमम 9,536% रिटर्न है। यानी तो अब इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट हम लोग देख लेते हैं। बेसिक में पहले इंट्रेंसिक वैल्यू जो है इनसफिशियंट डेटा की वजह से नहीं आ पाया है। रिटर्न वर्सेज FD जो है बढ़िया है, डिविडेंड नहीं देती है, एंट्री पॉइंट भी बढ़िया है और रेड फ्लैग भी नहीं है। इसके अलावा प्रो में हम लोग देख लेते हैं। प्रो में इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम बता रहा है 12 महीने में। क्वालिटी चेक जो है वो नहीं कर पाएगा इनसफिशियंट डेटा की वजह से।
और ग्रोथ स्कोर भी नहीं बता पाएगा इनसफिशियंट डेटा की वजह से। इसका फोरकास्ट देख लेते हैं भाई, तो फोरकास्ट अभी आपका अवेलेबल नहीं है। इसके बाद पीयर कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका इनकम स्टेटमेंट जो है वो हायर देन इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर भी है जो है 4.39 से बढ़ के 7.8 हो गया है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंडस्ट्री के नेट इनकम से इसका इनकम अच्छा रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं भाई। लोअर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इंडस्ट्री के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से इसका कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी लोअर रहा है, 39.38% रहा है और कंपनी का 62.44 है। और इंडस्ट्री के करंट रेशियो से कंपनी अभी कम में चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं भाई। टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है कंसिस्टेंट रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है प्लेज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग नहीं रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। FII का भी होल्डिंग सेम रहा है। प्रमोटर के पास 75% हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड के पास नहीं है, FII के पास भी नहीं है और रिटेल के पास 25% की हिस्सेदारी दिसंबर में रही है। तो ये था KMC स्पेशलिटी का डिटेल एनालिसिस वीडियो, फंडामेंटल वीडियो, जो कि मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ। और अगर इसमें कोई कमी रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।